खबर जनपद ललितपुर से सामने आ रही है, जहां पर विपक्षियों ने घर को तोड़ने का प्रयास किया है। हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जनपद ललितपुर के गांव पनारी के टपरियन से सामने आ रही है, जहां पर आरोपियों ने घर का बना हुआ जीना तोड़ दिया। जनपद ललितपुर के सदर कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारी के टपरियन से है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आरोपी किस तरह घर को तोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि रामेश्वर पटेल पुत्र दयाराम पटेल का आरोप है कि उनका मकान पनारी गांव स्थित टपरियन में बना हुआ है और गुंडा दबंग किस्म के लोग शंकर पुत्र रतनलाल, कृष्ण पिता पुत्र शंकरलाल, ज्योति, गीता, यह लोग एक राय होकर आए और अपने औजारों से मकान बना हुआ तोड़ने लगे। वहीं जीना यानी कि सीढ़ियों को तोड़ दिया। पीड़ित ने बताया कि जब इसका विरोध किया तो इन लोगों ने बेइज्जत करते हुए बुरी बुरी गालियां दी, साथ ही मारपीट की, साथ ही धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो इसका अंजाम बुरा होगा। पीड़ित ने आशंका जताई है कि यह लोग काफी दबंग किस्म के लोग हैं और यह कभी भी कोई भी घटना कारित कर सकते हैं और इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद ललितपुर के सदर कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारी के टपरियन से जुड़ा हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आरोपी घर को तोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। टपरियन के निवासी हैं। क्या समस्या हुई? समस्या मेरा जीना तोड़फोड़ कर रहे थे, ठीक है, और फोन कर रहे थे। शंकर पटेल हैं और ये सब बात लेके जीना तोड़फोड़ कर रहे थे और हमारे घर वाले को और हमारे लिए। किस बात को लेके? जीना सर, हमारा जीना तोड़फोड़ कर रहे थे, हमने रोका, इसलिए हमारे लिए जान से मार भी दिलाई। कहाँ के निवासी हैं ये लोग? सर, वहाँ से हैं सर। पुलिस में शिकायत दी आपने? हाँ सर, दिया। क्या आश्वासन मिला आपको? सर अभी कुछ नहीं हुआ सर, पुलिस से।